हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दोपहर 3 बजे अपनी क्लास होती थी, 2 दिन से नहीं हो पाई थी। कारण आप लोग साफ देख पा रहे हो, जैसा कि फ्रेंड्स यहां पर आप लोग बोर्ड देख पा रहे हो, बोर्ड का इंस्टॉलेशन हो रहा था। तो अब आप लोगों की जो क्लास होगी दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पे होगी। तो काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे सर बोर्ड पे कब आओगे, बोर्ड पे कब आओगे। तो बोर्ड अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है अब, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स वापस पढ़ते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए दोस्तों, तो अब जो अपनी क्लास होगी सर बोर्ड पे होगी। तो आप लोग जानते हैं मशीन डिजाइन हम लोग पढ़ रहे थे और आज इस मशीन डिजाइन को पूरा कंप्लीट करते हैं। 22nd नंबर का ये अपना लेक्चर है, 90 डेज की जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी थी। तो अब जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद में नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप लोग जो भी दोस्त हैं वो नीरज जंगेड़ प्रोफाइल मेरी फॉलो कर लो, अनअकैडमी पे सर्च करो नीरज जंगेड़ और आप लोग मुझे फॉलो कर लो, जिससे फ्रेंड्स मेरी सारी प्लस क्लासेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे एसएससी की हो गेट की हो। तो एसएससी में दोस्तों 1000 क्वेश्चंस का बैच लेकर आया था। इसके साथ में फ्रेंड्स एक नया बैच आया है, प्रीवियस ईयर पेपर 2018 और 2019 के क्वेश्चन का मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये वाले बैच के साथ में ये भी मिल जाएगा। इवन फ्रेंड्स आप लोगों को अनअकैडमी सब क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे, मतलब दोस्तों सॉम हो, FM हो, थर्मोडाइनमिक्स हो, आइस इंजन हो, RAC हो, सारे कोर्स आपको एक में मिल जाएगा। इवन GK भी आप लोगों को मिल जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार आप लोग देख सकते हो। आपको इसमें दोस्तों टेट सीरीज में मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग गेट का लेते हो तो दोस्तों गेट में मैं पढ़ा रहा हूँ हीट एंड मास ट्रांसफर, और वहाँ पर जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं सारे आप लोग देख सकते हो। मतलब गेट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो गेट के सारी, SSC का लोगे तो SSC का सारा। क्या करना है, लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, ओपन करना है, SSC एग्जाम सेलेक्ट करना है दोस्तों, इसका सब्सक्रिप्शन लेना है। ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास में ये। तो फ्रेंड्स आप लोग बेस्ट है 12 महीने या 24 महीने का लीजिए। 12 महीने का 500 रुपये प्रति महीना है, यानी पूरे साल भर का 6000। एंटर रेफरल कोड में दोस्तों जैसे आप लोग डाल दोगे नीरज 11 तो ये आपका पड़ जाएगा सर 5400 रुपये का, ठीक है। अगर 2 साल की बात करें दोस्तों 2 साल का 6480 पड़ जाएगा रेफरल कोड नीरज 11 लगाने पर। गेट का 1 साल का 25000 का है, रेफरल कोड नीरज 11 लगाने पर 22000 का पड़ जाएगा, और 2 साल का दोस्तों आपका 27000 का पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आप लोगों का मशीन डिजाइन का 22nd लेक्चर, ठीक है। दोस्तों मशीन डिजाइन इतनी लंबी खींच गई कि 22वां लेक्चर हो गया इसके। क्या ये डाटा सही है? क्या डाटा तो सही है सर। चलो स्टार्ट करें दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आप लोग के मशीन डिजाइन का। हो सकता है दोस्तों आज हम लोग इसको पूरा कवर कर ले मशीन डिजाइन को। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे सर बियरिंग की। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बियरिंग से स्टार्ट करेंगे कि सर ये बियरिंग आप लोगों का होता क्या है, क्या इसका आप लोगों का फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस बताता हूँ बियरिंग की, जिससे आप लोग समझ पाए कि बियरिंग होता क्या है। फ्रेंड्स आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी, तो ये जो चीज़ आप लोगों को दिख रहा है ये मशीन एलिमेंट दिख रहा है दोस्तों, यही बियरिंग होता है। तो क्या है बियरिंग, क्या है इसका फंक्शन, आइए देखते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कोई शाफ्ट है, कोई आपके पास में शाफ्ट है, ठीक है। अब दोस्तों अगर कोई शाफ्ट आपके रोटेट कर रही है तो फ्रेंड्स कोई तो एलिमेंट ऐसा होगा ना दोस्तों जो शाफ्ट को सपोर्ट दे रहा होगा, यहां से और यहां से दोनों तरफ से, बताओ दे रहा होगा ना। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये जो सपोर्ट दे रहा है ये आप लोग को बियरिंग दे रहा है, या आपकी जो बियरिंग है ना दोस्तों इसमें आपकी शाफ्ट आ जाती है और जो उसका दूसरा एंड है वहां पर दूसरे बियरिंग में आ जाता है, जिसकी वजह से जब शाफ्ट घूमती है तो फ्रेंड्स ये दोनों जो आप लोग की बियरिंग है सर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो सर किस प्रकार से वर्किंग करेगी, तो फ्रेंड जब ये शाफ्ट की जो आउटर सरफेस होगी ना भाई, जो शाफ्ट की आउटर सरफेस होगी ना, तो फ्रेंड जब शाफ्ट घूमेगी तो अगर हम लोग बात करें दोस्तों ये जो इनर वाली जो ये चीज है ना, ध्यान से समझो, इसके और इसके बीच में दोस्तों कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, ध्यान से समझो। ये आप लोग की जो फ्रेंड्स ये सरफेस है शाफ्ट की और इसके इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, क्लियर है क्या? कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, इसके मतलब दोस्तों ये है जैसे फ्रेंड्स आपकी शाफ्ट मूव करेगी तो इस बियरिंग का जो इनर वाला पार्ट है फ्रेंड्स वो भी इसके साथ ही मूव करेगा। दोस्तों आवाज वगैरह आ रही है? ये जो ब्लैक फ्लैग जी बोल रहे हैं रसोड़े में कौन था, वाईफाई स्टडी प्लीज ब्लॉक दिस काइंड ऑफ कमेंट, क्योंकि यहां पर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है वही यहां पर रखी है। चले दोस्तों अब इधर देखो, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग की शाफ्ट घूमेगी तो फ्रेंड्स ये भी घूमेगा, और ये चीज आउटर चीज क्या रहती है दोस्तों आपकी फिक्स रहती है, ये चीज क्या रहती है फिक्स रहती है,
क्लियर है क्या? तो अगर हम लोग डिफाइंड कैसे करें कि सर आप लोगों की बियरिंग क्या हो जाएगी, तो दोस्तों बियरिंग इज अ मशीन एलिमेंट, दोस्तों एक मशीन एलिमेंट है सर, ये क्या करता है विद सपोर्ट अनादर मूविंग मशीन एलिमेंट, और वो अनादर मूविंग मशीन एलिमेंट दोस्तों कौन सा है, शाफ्ट है, और शाफ्ट को सपोर्ट कौन करता है दोस्तों, बियरिंग करती है। दोस्तों क्या अब बोर्ड वगैरह सही है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको? आप लोग काफ़ी टाइम से बोल रहे थे सर कि बोर्ड का है, बोर्ड का है, अब बिल्कुल बोर्ड आ चुका है, बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को पढ़ना है, चलिए आ जाइए। और अभी फ्रेंड्स इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे, मंडे से जो क्लास होगी तो उसमें आप लोगों को और भी क्लियर दिखाई देगा, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर ये क्या है, तो इट परमिट्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ द मेंबर्स वाइल कैरिंग द लोड। अब देखिए फ्रेंड्स होगा क्या, जैसे ये आप लोगों की बियरिंग है, बियरिंग में दोस्तों शाफ्ट आ जाएगी, तो बियरिंग तो अगर फ्रेंड्स आप लोग इसकी बियरिंग की आउटर सरफेस देखोगे तो आप लोगों को क्या लगेगा कि बियरिंग फिक्स है, लेकिन फ्रेंड्स इनर सरफेस तो आपकी घूमती जा रही ना, शाफ्ट के साथ में इनर सरफेस तो घूमती जा रही ना, तो इसके और इस बियरिंग की आउटर सरफेस के बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो फ्रेंड्स इट परमिट्स अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसिस ऑफ द मेंबर्स वाइल कैरिंग द लोड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं द बियरिंग इंश्योर्स फ्री रोटेशन ऑफ द शाफ्ट और द एक्सल विद मिनिमम फ्रिक्शन। मतलब फ्रेंड्स फ्री रोटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, आपकी जब बियरिंग में शाफ्ट आएगी तो फ्रेंड्स शाफ्ट पे फ्रेंड्स कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए। कहाँ पता पड़े दोस्तों, बियरिंग आप लोगों को यूज़ करी गई थी सर इस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों शाफ्ट घूम रही है तो बियरिंग और इसके बीच में पता पड़ा सर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि दोस्तों शाफ्ट के पास में जो टॉर्क था, जो एनर्जी थी, उसका कुछ पार्ट तो दोस्तों फ्रिक्शन को ही क्या करने में, ओवरकम करने में क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। तो ये आप लोगों का क्या करता है, लेकिन बियरिंग क्या होता है, इंश्योर्स फ्री रोटेशन, मतलब शाफ्ट का दोस्तों फ्री रोटेशन इंश्योर करता है। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो आप लोगों का मिनिमम होता है, ठीक है। फ्री रोटेशन आप लोगों का क्या होगा दोस्तों, कि भाई जब शाफ्ट आप लोगों की घूमेगी ना, तो ये बियरिंग पे फ्रेंड्स क्या कर दो आप लोग, अटैच कर दो ना, तो फ्रेंड्स शाफ्ट के साथ में ये आप लोगों का जो बियरिंग का जो इनर सरफेस है ये भी आप लोग घूम रही है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करे बिना, क्लियर है। चले आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आप लोगों की फ्रेंड्स इमेजेस हो गई, बियरिंग आप लोगों के दिखने में कैसे लगती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स ये अलग अलग टाइप है, तो अभी हम लोग टाइप पढ़ेंगे बियरिंग के क्या क्या टाइप होते हैं, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बियरिंग होता है डेट सपोर्ट द शाफ्ट और द एक्सल एंड होल्ड इट द करेक्ट पोजीशन। आप लोगों का फ्रेंड्स क्या करता है, शाफ्ट को और एक्सल को होल्ड करता है। भाई जैसे मान लीजिए ये भी आप लोगों की बियरिंग का ही एक टाइप है, तो फ्रेंड्स इसमें जो शाफ्ट है आप लोगों की फ्रेंड्स एक जगह आप लोगों की फिक्स रहेगी नहीं रहेगी, मतलब मूवमेंट तो करता जा रहा है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें रेडियली ऊपर नीचे थोड़ी हो रही है, तो ये काम फ्रेंड्स कौन कर रहा है, ये काम कर रहा है दोस्तों बियरिंग कर रहा है, क्लियर। तो द बियरिंग टेक अप द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द शाफ्ट। एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, ये आप लोगों की शाफ्ट हो गई कोई, ये आप लोगों की बियरिंग हो गई, लेट सपोज दोस्तों ये हो गई बियरिंग नंबर ए, ये हो गई बियरिंग नंबर बी। अगर फ्रेंड्स इस शाफ्ट पे कोई लोड आता है, मान लीजिए फ्रेंड्स पी अमाउंट का लोड लग रहा है, तो फ्रेंड्स ये जो लोड बियर करेगा कौन करेगा दोस्तों, ये बियरिंग करेगी, ये बियरिंग नंबर ए और बियरिंग नंबर बी। कहानी क्लियर है क्या जरा बताइए। चले आगे हम लोग चलते हैं, बहुत बढ़िया सर। रोज क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे होता है दोस्तों, दोपहर तीन बजे कहानी क्लियर है, मंडे टू फ्राइडे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर बियरिंग की बात करें तो फ्रेंड्स आप लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हो दोस्तों, इसका वर्गीकरण कर सकते हो डिफरेंट वेज में, मतलब डिफरेंट वेज में फ्रेंड्स आप लोग अलग अलग बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हो सर। जैसे तो अगर हम लोग बात करें डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सबसे पहले बात करें दोस्तों फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग आप लोग फ्रेंड्स इनको दो कैटेगरी में क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो सर। कौन कौन सी? तो एक बियरिंग होती है आप लोगों की रेडियल बियरिंग। दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, रेडियल बियरिंग कहने का मतलब है दोस्तों इसमें जो फोर्स लगेगा वो आपका रेडियल लगेगा। कैसा लगेगा आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों की कोई शाफ्ट थी भाई, ये आप लोगों की बियरिंग है, बियरिंग में दोस्तों कोई शाफ्ट थी मानो। तो फ्रेंड्स अब ये जो बियरिंग है ना,
मतलब ये जो शाफ्ट है ना, इस पे अगर फ्रेंड्स आप लोगों का रेडियली लग रहा है, रेडियली लग रहा है, रेडियली लग रहा है, तो फ्रेंड्स इस बियरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली बियरिंग ही तो क्या करेगा, शाफ्ट पे लगने वाले लोड को बियर करेगा। और जो शाफ्ट पे लगने वाला लोड है दोस्तों अलोंग द रेडियस है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल बियरिंग। तो रेडियल बियरिंग क्या होता है दोस्तों, डेट सपोर्ट द लोड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मतलब ये शाफ्ट का एक्सिस हो गया, इसके परपेंडिकुलर जो लोड लग रहे हैं दोस्तों, इसको अगर जो बियर कर रहा है, इस बियरिंग को हम लोग बोलते हैं रेडियल बियरिंग। क्लियर है दोस्तों? चले आगे, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों थ्रस्ट बियरिंग की। तो सर आप लोग जो डिफाइंड कर रहे हो बियरिंग को, किस बेसिस के अलोंग कर रहे हो आप लोग? सर आप लोग जो बियरिंग को क्लासिफाई कर रहे हो इसी बेसिस पे कर रहे हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग के फोर्स की डायरेक्शन शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या रेडियल डायरेक्शन में हो, तो सर आपने इसको रेडियल बियरिंग बोला। दोस्तों थ्रस्ट बियरिंग क्या हो जाएगा, आप लोगों का अगर लोड शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग लग रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आप लोगों की थ्रस्ट बियरिंग। जैसे एग्जांपल में देखो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की शाफ्ट हो गई, ये दोस्तों ये ऊपर हो गई बियरिंग। तो अभी लोड लग रहा है फ्रेंड्स, कैसे लग रहा है, शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग लग रहा है ना, तो दोस्तों इस बियरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बियरिंग बोलेंगे। तो थ्रस्ट बियरिंग सपोर्ट्स द लोड विच एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, जो शाफ्ट की एक्सिस के अलोंग आपके वर्क करता है। क्लियर है क्या? चले आगे, आगे चले बताइए। बताइए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है कि आप लोग जो बियरिंग को डिफाइन कर रहे हो अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। तो पहला प्रकार क्या था, आप लोग ये देख रहे थे सर फोर्स की डायरेक्शन के बेसिस पे आप लोगों ने बताया था बियरिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है दोस्तों रेडियल बियरिंग, एक होती है दोस्तों थ्रस्ट बियरिंग। सिमिलरली फ्रेंड्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दोस्तों फ्रिक्शन किस प्रकार का हो रहा है उस बेसिस पे आप लोग बियरिंग को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, दो ग्रुप में। सर कौन कौन से, एक होता है दोस्तों आप लोगों का रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। सर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है देखिए, आइए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, देखिए ये पूरी की पूरी आप लोग बियरिंग देख पा रहे हो, ये आपकी क्या है सर, ये वाली जो अंदर वाली जो है ना, ये आपकी क्या है दोस्तों, शाफ्ट है। ये जो मैंने रेड कलर से जो मैंने बनाया ना सर, ये रेड कलर वाली सर क्या है, सर ये है आप लोगों की शाफ्ट। ये रेड कलर वाली जो बनाया है सर, ये क्या है आपकी शाफ्ट है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दोस्तों ये जो बियरिंग की आप लोगों को पढ़ रहा, आप लोग देख रहे हो कि सर ये जो इनर केज है, ये आपकी आउटर केज है, इसके बीच में फ्रेंड्स आप लोगों को छोटे छोटे रोलिंग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं क्या, छोटे छोटे रोलिंग एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं क्या, बताऊं? तो फ्रेंड्स इस केस में क्या है, ये आप लोग का जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है, इसमें क्या है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। दोस्तों इनको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं। कारण क्या है दोस्तों आप लोग इसका, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन होता है भाई, बिल्कुल आप लोगों को क्या है दोस्तों, पॉइंट कॉन्टैक्ट है, इसमें जो फ्रिक्शन होता है दोस्तों मिनिमम होता है, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम लोग इनको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं। दोस्तों आप लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट को सिंपली बॉल बियरिंग भी बोल सकते हो या रोलर बियरिंग भी बोल सकते हो। कहानी समझ में आई क्या, समझ में आ गई क्या? चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों जो रोलिंग एलिमेंट सच एज बॉल्स और रोलर। दोस्तों ये आपका जरूरी नहीं है बॉल हो, दोस्तों ये आप लोगों के ऐसे रोलर भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल रोलर भी हो सकते हैं, आपकी बॉल भी हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करें, आर इंट्रोड्यूस बिटवीन दी सर्फेसेज डेट आर इन रिलेटिव मोशन। आप लोगों को पता है सर ये आउटर वाली जो सरफेस है, ये तो क्या है सर, ये तो आपको मैंने डैश डैश कर रखा है, इसका मतलब क्या है सर, ये तो है आपकी फिक्स,
और दोस्तों आप लोग जो देख पा रहे हो ये जो इनर सरफेस है इसकी बियरिंग की इनर सरफेस, ये आपकी मूव करेगी किसके साथ में, जैसे शाफ्ट मूव करेगी ये भी मूव करेगी। तो दोस्तों अगर ये मूव कर रही है और ये फिक्स कर रही है, ये फिक्स है, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेटिव मोशन हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। और दोस्तों रिलेटिव मोशन जो हो रहा है इनके बीच में फ्रेंड्स किसकी वजह से हो रहा है? रोलिंग एलिमेंट की वजह से हो रहा है। दोस्तों क्या फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोग का इनमें जो पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है यानी मिनिमम कॉन्टैक्ट है और फ्रिक्शन भी आप लोग का मिनिमम होगा। चले आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इन दिस टाइप ऑफ बियरिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है ना फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें आप लोग का फ्रिक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग। तो फ्रेंड्स स्लाइडिंग कहां पर होता है दोस्तों? जहां पर सरफेस कॉन्टैक्ट में आती है। यहां पर फ्रेंड्स क्या सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहा है क्या? नहीं सर, केवल पॉइंट कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो किससे रिप्लेस हो गया दोस्तों? रोलिंग फ्रिक्शन से यहां पर क्या हो गया सर? रिप्लेस हो गया। इतनी बात क्लियर? चले आगे, कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्लास के नोट्स आपको दोस्तों कमेंट में पिन कर दिया, उस नीचे क्लास की कमेंट है ना उसमें देख लीजिए, उसमें पिन कर दिया। इस क्लास की भी जो पीडीएफ होगी दोस्तों इस क्लास के नीचे कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। कहानी क्लियर है क्या सर? फिक्स क्यों किया है दोस्तों? बियरिंग तो आपकी फिक्स ही होती है साना जी, जो आप लोग के जो आउटर सरफेस होती है तो फिक्स ही होती है। अभी तो मैं यही तो बता रहा था देर से कि ये बियरिंग है, ये आप लोग की शाफ्ट है। तो फ्रेंड्स ऐसे थोड़ी आप लोगों की भाई, देखो इसकी आउटर सरफेस है फिक्स है, इनर सरफेस घूमती है दोस्तों शाफ्ट के साथ में, ये आउटर सरफेस तो फिक्स ही रहती है। क्लियर है क्या? चलो आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो बॉल बियरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ कार्बन क्रोम स्टील। दोस्तों ये इसका मटेरियल ध्यान रखो, एक क्वेश्चन आप लोगों से 2018 में पूछा हुआ था एसएससी जेई में कि इसका मटेरियल कौन सा होता है, तो ध्यान रखेंगे कार्बन क्रोम स्टील इसका मटेरियल होता है, एसएससी जेई 2018 में पूछा गया था। आप लोग बोलेंगे सर विश्वास नहीं है, तो लो आओ दिखाता हूँ विश्वास, रुकिए। ये रहा, देखो एसएससी जेई 2018 का क्वेश्चन है ना, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बॉल बियरिंग आर जनरली मेड अप ऑफ, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा कार्बन क्रोम स्टील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाली बात पूरी हो चुकी है, अब एक आपने पढ़ा है दोस्तों रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, एक होता है दोस्तों आप लोग का स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। सर आपने किस प्रकार से इसको क्लासिफाई किया है दोस्तों? टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बेसिस पे। अगर फ्रिक्शन आप लोगों का फ्रेंड्स रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो इसको आप लोग बोल रहे हैं रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, अगर फ्रेंड्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। सर जैसे इमेज बताओ, तो इमेज यहां पर आप लोग देखेंगे सर, ये तो आप लोगों की हो गई शाफ्ट, मैं इसको फ्रेंड्स रेड बॉर्डर से क्या कर देता हूँ, आउटलाइन कर देता हूँ जिससे आप लोग समझ पाओ शाफ्ट कौन सी, ये हो गई आप लोग की शाफ्ट। तो फ्रेंड्स जब इस केस में ये जो शाफ्ट होगी ये जो इनर सरफेस के साथ में कांटेक्ट आएगी तो क्या पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है क्या? नहीं सर, कौन सा कांटेक्ट बनेगा? तो फ्रेंड्स एक पूरा का पूरा क्या बनेगा आप लोगों का? एक सरफेस कांटेक्ट बनेगा, या फिर आप लोग बोल सकते हो लाइन कांटेक्ट बनेगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रेंड्स कौन सा होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ना कि आप लोगों का फ्रेंड्स कैसा रोलिंग फ्रिक्शन होगा। और आपको पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। अब आप लोग बात करोगे कि सर इसका स्ट्रक्चर बताओ, पूरा सेम का सेम है, बस यहाँ पर ध्यान रखिए पिछले वाले केस में दोस्तों क्या लग रहे थे, यहाँ पर रोलर लग रहे थे, अब यहाँ पर रोलर नहीं है, अब यहाँ पर रोलर नहीं है तो सर क्या है? तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स रोलर की जगह क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का एक लुब्रिकेंट फ्लूड भरा होता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इस जगह आप लोग का एक लुब्रिकेटिंग ऑयल आप लोग का भरा होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? चलिए आगे। तो अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स इस केस में, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर आल्सो कॉल्ड
प्लेन बियरिंग, जैसे वो आप लोगों का फ्रेंड्स रोलर बियरिंग बोल रहे थे, इसको प्लेन बियरिंग भी बोलते हैं, या दोस्तों इसको आप लोग जनरल बियरिंग भी बोल सकते हो, या इसको स्लीव बियरिंग भी बोल सकते हो। कहानी क्लियर है? ठीक है। और इन दिस केस द सरफेस ऑफ द शाफ्ट जो होती है ना दोस्तों, ये जो शाफ्ट होती है ना, स्लाइड करती है। ये क्या करती है दोस्तों? स्लाइड करती है। तो स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द बुश रिजल्टिंग इन द फ्रिक्शन एंड वियर, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा वियर होता है। और सर ये बुश क्या है दोस्तों? ये आपकी बियरिंग की इंटरनल सरफेस है। एक बार यस करके बता दीजिए, कहानी क्लियर है क्या? सर कल टेस्ट होगा क्या? नहीं, कल टेस्ट नहीं होगा। चले आगे, चले दोस्तों आगे आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन दीज टू सर्फेसेज आर सेपरेटेड बाई अ फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। दोस्तों आप लोगों को अगर फ्रेंड जो बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रहा है सर, इसको रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग क्या डालते हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल हम लोग डाल देते हैं। चले आगे हम लोग चलते हैं। सर ऐसे गायब ना हो जाया करो सर, दिल बेचैन हो जाता है। आदित्य कुमार जी, मैं आप लोगों का गायब नहीं हुआ था फ्रेंड्स, बोर्ड के इंस्टॉलेशन के लिए आप लोगों के लिए दो दिन क्लास नहीं हुई, क्योंकि बोर्ड का इंस्टॉलेशन हो रहा था, उसमें लाइट वगैरह फिट नहीं बैठ रही थी। ठीक है, अब बोर्ड वगैरह परफेक्ट है ना? अब बोर्ड परफेक्ट है ना? सॉरी, अब बोर्ड परफेक्ट है ना दोस्तों? आप लोग देख पा रहे हो? तो अब आपकी जो क्लास होगी दोस्तों स्मार्ट बोर्ड पर होगी, अब टेंशन लेने की जरूरत आप लोग को नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की। हम लोग जो बात कर रहे थे, तो फ्रेंड्स अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आपने ऐसी बियरिंग देखी थी ना, तो फ्रेंड्स ये इसकी आउटर रिंग होती है सर, ये इसकी आउटर रिंग होती है, और दोस्तों ये इसकी क्या होती है? इनर रिंग होती है। और इसके बीच में क्या आप लोगों के रोलिंग एलिमेंट थे क्या, जरा मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आप लोग की बॉल्स लग रही थी, ठीक है, मान लीजिए बॉल्स लग रही थी, तो कुछ इसी प्रकार का डायग्राम आप लोग देख पा रहे थे? सर लुब्रिकेटिंग ऑयल एक तरफ ज्यादा क्यों, एक तरफ कम क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप लोग की शाफ्ट घूमेगी तो क्या जरूरी है क्या दोस्तों ये आपके बीच में घूमेगी? भाई शाफ्ट आप लोग की ऐसे तो घूमेगी ना भाई, डिस्प्लेस तो होगी, तो उस वजह से आप लोगों का एक तरफ ज्यादा जाएगा, एक तरफ कम, फिर जब शाफ्ट इधर जाएगी फिर इधर कम रह जाएगा, इधर ज्यादा। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो अगर रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग की बात करें तो दोस्तों इसके चार पार्ट होते हैं, फोर पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों आपका इनर एंड आउटर रेसेस, मतलब कहने का मतलब है आप लोग इसको रेस बोल लो या रिंग बोल लो। तो एक तो आपका हो जाएगा दोस्तों आपका आउटर रिंग, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो दोस्तों आउटर रेस। फ्रेंड्स ये आपका नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनर रिंग, और इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इनर रेस आप लोग बोल सकते हो। और इसके बाद में क्या होंगे सर? रोलिंग एलिमेंट होंगे, रोलिंग एलिमेंट, जैसे ये बॉल यहाँ पर रोलिंग एलिमेंट है। क्लियर है क्या सर? बॉल के अलावा और क्या क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग का रोलर हो सकता है। रोलर क्या होते हैं दोस्तों? कुछ इस प्रकार के होते हैं आप लोगों के। निडल हो सकता है सर, ये निडल क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर बाद में ये अगली जो स्लाइड है उसमें सारी चीज़ें आएंगी, इसके टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका रोलिंग एलिमेंट हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों? एक चीज़ और है दोस्तों, केज है सर। ये केज क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर कोई केज दिख रहा है क्या? बताओ दोस्तों, कोई बता सकता है कि केज क्या है? देखो ध्यान से समझो, ये आप लोगों को फ्रेंड्स ये येल्लो वाला दिख रहा है कि, देखो ये येल्लो वाला, इसको हाईलाइट करता हूँ, देखो ये येल्लो वाला दिख रहा है कि ये वाला? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बेसिकली आप लोगों को ऐसा दिखेगा, ये मतलब इनमें फ्रेंड्स आपके क्या होंगे? स्लॉट होंगे। और दोस्तों इनमें आप लोगों के जो रोलिंग एलिमेंट होते हैं, ये बॉल होती है, वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका कार्य क्या हो गया दोस्तों? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सर इस केज का फंक्शन क्या है, तो सर इसके दो फंक्शन हो गए। दो फंक्शन क्या हो गए सर? एक चीज़ तो ये है कि जो आपकी बॉल्स हैं उनको ये इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन रखा हुआ है, और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स ये आपके जो बॉल्स हैं उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर? अगर मान लीजिए दोस्तों बॉल्स आप लोगों के ऐसी सरफेस पे होते हैं, ऐसी सरफेस पे होते हैं, तो फ्रेंड्स बॉल आपके लुढ़क के नहीं आ जाती क्या? तो ये फ्रेंड्स आप लोग के बॉल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी बॉल्स होती है उनको फ्रेंड्स इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन रखते हैं।
सर केज का डायग्राम समझ में नहीं आया, दूसरा डायग्राम बनाओ। तो आइए केज का एक दूसरा डायग्राम भी हम लोग बना देते हैं। देखो यहाँ पर देखो केज का दूसरा डायग्राम देखो। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों की हो गई। अगर हम लोग बात करें ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा हो गया सर? ये वाला पार्ट हो गया आपका आउटर रिंग। ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों आपका आउटर रिंग। और फ्रेंड्स आप लोग ये इनर वाला देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे इनर रिंग। समझ में आ गया? और दोस्तों जिस केज की हम लोग बात कर रहे थे, केज आपका होगा इस प्रकार से। इसमें सर आपकी क्या जाएगी, आप लोग के रोलिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन से हैं रोलिंग एलिमेंट्स? ये वाले हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? बताओ बताओ सर। बुरा मत मानना लेकिन 25 दिनों में टॉम सोम फ्लूड मशीनरी पावर प्लांट इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा? शताब जी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगले वीक में खत्म हो जाएगा, सोमवार से शुक्रवार तक में। और बताओ, ठीक है शादाब जी, सोमवार से शुक्रवार में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात तो ये। चलो डाउट किसको लगता है दोस्तों सिलेबस पूरा नहीं होगा? बुरा नहीं मानना, तो बुरा तो आप भी नहीं मानोगे तो एक चीज बोलूं क्या? अरे बुरा आप भी नहीं मानो तो एक चीज पूछूं क्या? बताओ, जब आपने ऐसे बोल दिया कि सर आप बुरा नहीं माने तो मैंने तो नहीं माना, मैंने जवाब भी दे दिया। अब बुरा नहीं माने तो मैं भी पूछ लूं। आपको पता है दोस्तों एसएससी जेई का एग्जाम कब होने वाला था? आपके मार्च में होने वाला था, ठीक है? आपके इतने एग्जाम पोस्टपोन हो गए, मतलब अभी तक आप लोगों ने पहली बार तो सिलेबस पूरा कर नहीं रखा था। और आप लोग सिर्फ मेरी इन क्लासेज के भरोसे बैठे हो, तो फ्रेंड्स वो इसलिए बैठे हो क्योंकि मैंने भरोसा दिलाया था और मैं आपको करवाऊंगा। पहली चीज़ तो ये, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। जब मैंने बोला था तो पूरा करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आपको इतनी जल्दी है तो फ्रेंड्स मैं तो प्लस पे सारा पढ़ा चुका हूँ, 6 महीने पहले पूरा कोर्स करा दिया था पूरा। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा जल्दी है तो दोस्तों उससे पढ़ लो, इंजीनियर मैकेनिक्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने करवा रखी है। तो जब मैंने आपको बोला था तो यकीन मानो पूरा मैं आपको करा दूंगा। और बोलो और बताओ। तो आपका इंजीनियर मैकेनिक्स आप लोगों के फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में पूरा हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? थ्योरी ऑफ मशीन। दीज क्लासेज आर एनफ ना? जी बिल्कुल, ये क्लासेज पूरी आपकी एनफ है। चले दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक में अपना इंजीनियर मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लिया करो आप। चलते हैं आगे, थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट में ध्यान मत दीजिए। तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर था। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों टाइप ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। दोस्तों ये जो आपका रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग है ना, इसके भी क्या क्या टाइप होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इनका क्लासिफिकेशन आप लोग किस बेसिस पे कर रहे हो? तो फ्रेंड्स कहीं पर आपकी बॉल्स होंगी, कहीं पे आपके निडल होगी। तो क्या क्या होता है, चलिए एक एक चीज़ को समझते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के क्या क्या आप लोग के टाइप होते हैं, ठीक है? चलो आइए। तो फ्रेंड्स पहला टाइप होता है आपका डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। सर ये डीप ग्रूव बॉल बियरिंग का मतलब क्या है? तो पहले डायग्राम में आप लोग देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये जो आप लोग का रोलिंग एलिमेंट है, यानी दोस्तों ये जो आप लोगों का बॉल है फ्रेंड्स, इसका कुछ पार्ट आप लोगों का ऊपर है, कुछ पार्ट अंदर है। तो फ्रेंड्स क्या इसका कॉन्टैक्ट, ये वाला सरफेस इसकी कॉन्टैक्ट में आ रही है क्या, बताइए? एक तो ये कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ये बोर्ड बहुत प्यारा है, मज़ा आएगा आपको इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ने में, टॉम पढ़ने में ना। क्या ये वाली सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रही है क्या दोस्तों डीप ग्रूव में, बताओ? तो फ्रेंड्स ये डीप ग्रूव बॉल बियरिंग में क्या है, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बियरिंग इज द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। सबसे ज़्यादा जो यूज होती है यही होती है। काइनेमेटिकली दिस गिव्स अ पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल्स एंड द रेसेस, देयरफॉर द बॉल एंड द रेसेस मे रोल फ्रीली विदाउट एनी स्लाइडिंग। देखो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हो रहा है काइनेमेटिकली, काइनेमेटिकली का मतलब दोस्तों क्या है, आप लोगों को फिजिकली आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। जैसे समझो मेरी बात को, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि फ्रेंड्स किसी प्लेट पे एक बॉल रखी हुई है, सर अभी कैसा कॉन्टैक्ट दिख रहा है? सर पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है। सर फिजिकली है काइनेमेटिकली है दोस्तों? फिजिकली है। फिजिकली का मतलब दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, लेकिन क्या कुछ इस प्रकार से आपका मोशन होता जा रहा है क्या कि फ्रेंड्स आप लोगों का, जैसे मान लीजिए अगर फ्रेंड्स कोई आप लोगों का कोई, मैं आप लोगों से बोलूं कोई बॉल है सर, इस पर रोल कर रही है, लुढ़क रही है, तो दोस्तों काइनेमेटिकली क्या है, काइनेमेटिकली का मतलब क्या दोस्तों, मोशन भी हो रहा है और दोस्तों इस मोशन के दौरान आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट बना हुआ है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है फ्रेंड्स, काइनेमेटिकली पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में क्या हो सकती है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के फ्रीली आपकी क्या कर सकती है दोस्तों, रोल कर सकता है विदाउट एनी स्लाइडिंग। क्लियर है क्या?
डीप ग्रू बॉल बियरिंग की अगर हम लोग बात करें, हैज हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी। दोस्तों इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इस टाइप ऑफ बियरिंग की दोस्तों बहुत ज्यादा होती है। सर कौन सा सहन कर पाएगा, ये रेडियल लोड झेल पाएगा क्या सर, या एक्सियल झेल पाएगा? दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों का लोड इन दी रेडियल और फ्रेंड्स आप लोगों का एक्सियल डायरेक्शन दोनों में ही लोड सहन कर सकता है। तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखवाया, एक एक पॉइंट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या आप लोग का जो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है दोस्तों, ये आप लोगों का रेडियल लोड भी झेल सकता है और आप लोगों का कैसे एक्सियल भी, और आप लोग देख भी पा रहे हो कैसे झेल पाएगा। देखिए अगर आप लोग बात करो फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए कोई लोड लग रहा है एक्जली, तो दोस्तों यहाँ से फिक्स है ना, यहाँ से फिक्स है ना, तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा इसको, फ्रेंड्स ये लोड को रजिस्ट कर पाएगा। और अगर कोई ऐसा लोड लग रहा है दोस्तों, यहाँ से क्या कर पाएगा, रजिस्ट कर पाएगा। यानी सर ये आप लोग का रेडियल और एक्चुअली दोस्तों लोड दोनों सहन कर सकता है। समझ में आ गया क्या कहानी? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। चले दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग के। चलो तो दोस्तों सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग की अगर हम लोग बात करें, यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो आप लोग के रोलर लग रहे हैं अब फ्रेंड्स वो बॉल शेप के नहीं लग रहे, स्फेरिकल शेप के, स्फेयर नहीं है दोस्तों। ये आप लोग देख रहे हो ये सिलेंड्रिकल शेप के है ये नहीं है, बताओ। अरे दोस्तों ये आप लोग के सिलेंड्रिकल शेप के है ये नहीं है, बताओ। तो यहां पर फ्रेंड्स सिलेंड्रिकल शेप होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें सर, ये वाले जो रोलर होते हैं, मतलब ये वाली जो बियरिंग होती है कहां पर यूज करी जाती है दोस्तों, आपके पास में स्पेस बहुत कम है, मतलब दोस्तों आपको क्या है शाफ्ट को होल्ड करने के लिए बियरिंग लगानी है और इस शाफ्ट पे दोस्तों आपके बहुत ज्यादा लोड आ रहे हैं, मतलब आपको एक ऐसी बियरिंग लगानी है दोस्तों जो ज़्यादा लोड सहन कर सके, क्योंकि शाफ्ट का लोड तो दोस्तों अल्टीमेटली बियरिंग ही सहन करेगी, लेकिन आपके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स कम आपके पास में स्पेस है और आपको लोड ज़्यादा कैरी करवाना है, तो फ्रेंड्स ये वाली आप लोगों की क्या होगी बियरिंग यूज़ करी जाती है। तो वैन मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड इन अ गिवन स्पेस, दोस्तों कम जगह में ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको चाहिए तो ये आपका हो जाएगा सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। तो द पॉइंट कॉन्टैक्ट इन बॉल बियरिंग इज रिप्लेस्ड बाय द लाइन कॉन्टैक्ट ऑफ द रोलर बियरिंग। फ्रेंड्स जो आप लोग के पहले क्या हो रहा था, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता था ना दोस्तों, इसमें रोलर में पॉइंट कॉन्टैक्ट होता था ना, पॉइंट कॉन्टैक्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा लाइन कॉन्टैक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा लाइन कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताओ दोस्तों, ये रेडियल लोड झेल पाएगा ज़्यादा, ये क्या झेल पाएगा, एक्सियल झेल पाएगा ज़्यादा, कौन सा लोड झेल पाएगा ये बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बताइए दोस्तों, ज्यादा कौन सा झेल पाएगा, ये देख के बताइए रेडियल झेल पाएगा या एक्सियल झेल पाएगा, ज्यादा कौन सा झेल पाएगा, आंसर आप लोग बताइए, आंसर आप लोग बताइए। अरे दोस्तों रेडियल ज्यादा झेल पाएगा ना, कैसी बात कर रहे हो आप, देखो तो ड्यू टू लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन रोलर एंड रेसेस, दोस्तों यहां पर पूरा लाइन कॉन्टैक्ट है, यानी अब दोस्तों जो रेडियल लोड आ रहा है, पहले तो फ्रेंड्स क्या था सर, केवल और केवल ही पॉइंट कॉन्टैक्ट था जिसकी वजह से इसको ही झेलना था, लेकिन अब देखो फ्रेंड्स आपका लाइन कॉन्टैक्ट है सर, ज्यादा झेल पाएगा ना। तो ड्यू टू लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द रोलर एंड रेसेस द रेडियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग इज वेरी हाई, दोस्तों अब इसकी जो रेडियल लोड कैपेसिटी हो जाएगी दोस्तों बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। समझ गए क्या, समझ गए? चले आगे, आगे हम लोग चले, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो इन जनरल सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग कैन नॉट टेक थ्रस्ट लोड, फ्रेंड्स ये आप लोगों का एक्सियल लोड थ्रस्ट लोड बियर नहीं कर सकता, ठीक है, और कर भी सकता है तो बहुत कम अमाउंट का कर सकता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, इस जगह कोई सपोर्ट नहीं है। समझ गए दोस्तों, जल्दी से बताओ, आगे चले, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों आपसे एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग। दोस्तों जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है एंगुलर कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है दोस्तों, अब जो कॉन्टैक्ट होगा आप लोगों के रोलिंग एलिमेंट का रेसेस के बीच में, वो फ्रेंड्स कैसे होगा, किसी एंगल पे बनेगा। सर समझ में नहीं आया, समझाओ, आइए देखो यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें सर, ये जो आप लोगों की जो बॉल है ना दोस्तों, ये जो बॉल है ये आपका दोस्तों रोलिंग एलिमेंट था,
अब एक चीज ध्यान से समझना है यहाँ पर, अब ये डायग्राम को मैं मिटान रहा हूँ, है ना, आप लोगों को समझ में तो आ ही गया बॉल। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज मुझे देख के बताओ यहाँ पर कि सर यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट आ रहा है केवल और केवल इतना हो रहा है ना दोस्तों, जो कॉन्टैक्ट आ रहा है दोस्तों केवल और केवल इतना सा कॉन्टैक्ट हो रहा है ना यहाँ पर देखोगे तो दोस्तों केवल और केवल कॉन्टैक्ट इतना सा हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या है, एक डायग्राम और मैं बनाता हूँ अगर है तो इधर, चलो नहीं है तो कहने का मतलब है दोस्तों केवल और केवल क्या बनता है, कॉन्टैक्ट बनता है यहाँ पर। क्लियर है क्या, मतलब पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता, पूरा कॉन्टैक्ट नहीं होता फ्रेंड्स, कोई पर्टिकुलर एंगल पे आप लोगों का कॉन्टैक्ट होता है। तो इन दिस बियरिंग द ग्रूव्स इन इनर एंड आउटर रेसेज आर सो शेप्ड दैट द लाइन ऑफ रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड रेसेज मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस ऑफ द बियरिंग। जैसे फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स ये जो आपका इसके और इसके बीच में दोस्तों जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो फ्रेंड्स ये जो बियरिंग का जो एक्सिस है इससे कुछ एंगल बनाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इट कैन टेक बोथ रेडियल और फ्रेंड्स ये थ्रस्ट लोड आप लोग का दोनों बियर कर सकता है। क्यों कर सकता है, देखो ध्यान से समझो, अगर फ्रेंड्स कोई भी कंपोनेंट आ रहा है आपका इसका, तो फ्रेंड्स देखो एक चीज ध्यान से समझो, देखो इसको समझो ऐसे, मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रेंड्स मान लीजिए लोड आ रहा है इस डायरेक्शन में, लोड आ रहा है इसका इस डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स इसका इस कुछ कंपोनेंट इसमें आ जाएगा, कुछ कंपोनेंट दोस्तों इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब ये फ्रेंड्स आपका थ्रस्ट भी एक्सियल भी झेल सकता है और आपका रेडियल भी झेल सकता है। तो फ्रेंड्स ये आपका रेडियल और आपका थ्रस्ट लोड दोनों झेल सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सर ज़्यादा क्या झेल पाएगा, तो फ्रेंड ज़्यादा लार्ज थ्रस्ट लोड के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, इनको यूज़ करते हैं। चले चले आगे, आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट होती है दोस्तों सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। सर सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई शाफ्ट है दोस्तों, ये बियरिंग है, शाफ्ट रोटेट करती जा रही है बियरिंग में, ठीक है, शाफ्ट रोटेट करती जा रही है बियरिंग में, ठीक है। एकदम से मान लो दोस्तों शाफ्ट ऐसी हो जाए, क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से समझो दोस्तों, ये आपकी शाफ्ट हो गई, ये आपकी बियरिंग हो गई, तो आप लोगों की फ्रेंड शाफ्ट बिल्कुल ऐसी है बियरिंग के बीच में, एकदम से मान लो शाफ्ट ऐसी हो गई, एकदम से शाफ्ट ऐसी हो गई, तो फ्रेंड्स यहाँ से शाफ्ट टूटने का डर है ना, बताओ ये आप लोग का बहुत ज़्यादा आप लोग का नुकसान होने का डर है ना। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर वाली जो इनर केज है ना वो एडजस्टेबल होती है, देखो आप लोग देख पा रहे हो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऐसे 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 हो सकती है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। क्लियर, तो दे आर बेसिकली स्फेरिकल रोलर बियरिंग है, तो ये आप लोग की स्फेरिकल रोलर बियरिंग, लेकिन दोस्तों ये आपकी एडजस्ट हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। कहानी क्लियर है क्या, चलो आगे चले, आगे हम लोग बात करते हैं। तो दे आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर मिस अलाइनमेंट कैन अराइज, दोस्तों जहाँ पर मिस अलाइनमेंट हो सकता है, ये शाफ्ट टूट सी ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, और फ्रेंड्स कितने तक का मिस अलाइनमेंट फ्रेंड्स क्या कर सकता है, ये 2 से 3 degree तक का अगर मिस अलाइनमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है आप लोग बोलो सर 90 degree पे हो जाए तो शाफ्ट बियरिंग ऐसी हो जाएगी, कि ऐसे नहीं, 2 से 3 degree तक। कहानी क्लियर है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों टेपर रोलर बियरिंग, आप लोगों को टाइप्स ध्यान रखना है। तो टेपर रोलर बियरिंग में क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में देखो ये आपका जो रोलर है, लेकिन फ्रेंड्स ये टेपर है क्या, थोड़ा सा टेपर देख पा रहे हो क्या, टेपर, अरे टेपर देख पा रहे हो क्या, जो कॉन्टैक्ट है दोस्तों टेपर हो रहा है क्या, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, टेपर रोलर बियरिंग कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ कोन, दोस्तों जो कोन का फ्रस्टम होता है ना उसके उसकी शेप का आपका क्या हो जाएगा, आपका रोलिंग एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर टेपर रोलर की बात करें तो फ्रेंड्स ये दोनों लोड सहन कर सकता है, रेडियल भी और एक्सियल लोड भी, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी जो रेडियल लोड कैपेसिटी है वो फ्रेंड्स एक्सियल लोड से दोस्तों क्या है, ज़्यादा है, मतलब रेडियल जो लोड आएगा दोस्तों, रेडियल जो लोड आएगा वो क्या कर पाएगा सर, ये ज़्यादा झेल पाएगा। समझ में आ गया क्या, चले आगे। इन स्टैंडर्ड टेपर रोलर बियरिंग द एंगल ऑफ टेपर, अगर टेपर एंगल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये एंगल कितना बन रहा है, ये टेपर एंगल कितना बन रहा है, तो दोस्तों जनरली आपका 25 degree से आप लोगों का होता है ये एंगल। समझ गए, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका निडल रोलर बियरिंग। सर निडल रोलर बियरिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था दोस्तों निडल की, तो फ्रेंड्स ये आप लोग रोलर यहाँ पर देख पा रहे हो, निडल वाले ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो,
तो इस निडल में आप लोगों का क्या है, तो दीज बियरिंग आर रिलेटिवली स्लेंडर एंड कम्प्लीटली फिल द स्पेस सो डैट नाइदर अ केज नॉर अ रिटेनर इज नीडेड। दोस्तों यहाँ पर केज की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों वहाँ पर केज की जरूरत क्यों पड़ रही थी, पहले समझो बात को। वहाँ पर सर इसलिए जरूरत पड़ रही थी कि ये आप लोग का जो केज था, इसमें एक रोलिंग एलिमेंट यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था, और फ्रेंड्स इसका और इसके बीच में जो कांटेक्ट हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था। यहाँ पर रोलर दोस्तों पूरी तरीके से फंसा हुआ है, वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर केज यूज़ करने की ज़रूरत भी आप लोगों को यहाँ पर नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें कि इनका यूज़ कहाँ पर है, दोस्तों पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दीज बियरिंग आर यूज्ड व्हेन रेडियल स्पेस इन कंस्ट्रेंड एंड व्हेन हैवी लोड आर टू बी कैरिड। मतलब फ्रेंड्स आप लोग का जो स्पेस अगर ज़्यादा नहीं है और आप लोगों को रेडियल लोड ज़्यादा सहन करवाना है, तो फ्रेंड्स ये वाली बियरिंग आप लोग क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो ये आप लोग के दोस्तों बियरिंग के टाइप्स थे, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर बता दो जल्दी से। मंडे से बताओ कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, मंडे से कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें जल्दी से बता दो दोस्तों। Which of the following is anti-friction bearing, आपने किसको बोला था, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स anti-friction bearing, मैंने आप लोगों को बताया था रोलर कॉन्ट, ये आप लोग का जो क्या था, मैं जो पहली चीज थी कॉन्टैक्ट बियरिंग जो था, कहाँ गया, हाँ तो फ्रेंड्स आप लोगों का जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग था, क्या मैं इसमें आप लोगों को लाइन लिखवाई थी क्या दोस्तों, इसको हम लोग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी बोलते हैं, जरा मुझे बताइए क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका फ्रिक्शन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से आप लोगों का काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, चलते हैं क्वेश्चन पे, आंसर आप लोग बता दीजिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा, निडल बियरिंग। दोस्तों निडल बियरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, अरे निडल बियरिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि निडल बियरिंग एक टाइप है किसका, आप लोगों का फ्रेंड्स रोलर बियरिंग का ही तो क्या है, एक आप लोगों का रोलर कॉन्टैक्ट बियरिंग का ही तो क्या है, आपका टाइप है आप लोगों का, ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, इन रेलवे एक्सल बॉक्सेज द बियरिंग यूज इज, दोस्तों बियरिंग कौन सी यूज करी जाती है, तो फ्रेंड्स ये आपकी करी जाती है सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स बिकॉज इन रेलवे एक्सल मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। वहाँ पर दोस्तों स्पेस आपका कम होता है और आपको मैक्सिमम लोड कैपेसिटी आप लोग को फ्रेंड्स चाहिए होती है, तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोग यूज करोगे सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बियर कैन टेक लार्ज थ्रस्ट लोड, दोस्तों मैक्सिमम एक्सियल लोड थ्रस्ट लोड कौन सहन कर सकता है, तो ये आप लोगों की एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग थी, मैंने बताया था ना आप लोगों को दोस्तों ये दोनों झेल सकता है, लेकिन ज़्यादा कौन सा झेल सकता है, थ्रस्ट लोड ज़्यादा झेल सकता है ये, तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग, इनमें से कौन सी एक सेल्फ अलाइनिंग बियर है, तो दोस्तों जो आपकी स्फेरिकल बियरिंग थी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग आर, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बॉल एंड रोलर बियरिंग। आपको बताया दोस्तों कॉन्टैक्ट बियरिंग जो होता है आप लोग का, वो आप लोगों की कौन, एक तो आप लोगों का फ्रेंड्स कौन सा था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बियर, वो आप लोगों ने फ्रेंड्स फ्रिक्शन के बेसिस पे बियरिंग को दो टाइप में क्लासिफाई किया था ना, एक तो आप लोगों का फ्रेंड्स कौन सा था, रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग, एक था स्लाइडिंग फ्रिक्शन बियरिंग। तो आपको पता है दोस्तों बॉल और रोलर बियरिंग दोनों कैसी है, आप लोग के रोलिंग फ्रिक्शन बियरिंग है, तो ये आपकी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन स्टैंडर्ड टेपर रोलिंग बियरिंग द एंगल ऑफ टेपर, दोस्तों टेपर का एंगल अभी बताया था ना 25, याद हो तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा 25। आगे चले, टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, दोस्तों टेपर कौन सा झेल सकता है, अभी बताया था सर दोनों झेल सकता है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी, बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दिस बियरिंग ग्रेटर देन यूनिटी। मतलब कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आप लोग का जो टेपर वाला था ना, ये झेल तो दोनों सकता है सर, रेडियल भी झेल सकता है और थ्रस्ट भी झेल सकता है, लेकिन जो रेशियो का एक से ज़्यादा होगा, कहने का मतलब है दोस्तों रेडियल ही आप लोग का ज़्यादा झेल सकता है,
ठीक है, थ्रस्ट से मुकाबले, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों की पूरी मशीन डिजाइन आप लोगों की कंप्लीट होती है। इस क्लास की पीडीएफ दोस्तों आपको कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को एसएससी देखकर अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो फ्रेंड नीरज जंगेट सर्च करें, मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पर प्लस में आपको मेरे सारे कोर्स मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना हो, सॉम पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, क्या मंडे से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस ये 1000 एमसीक्यू उसका बैच चाहिए तो आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे मेरे साथ में जुड़े, यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल कोर्स मिल जाएंगे। सोम हो, एफ एम हो, थर्मोडायनेमिक्स, आई सी इंजन, आर ए सी, पावर प्लांट, सारा आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। सर पीडीएफ डलवा दीजिए क्लास की 21 और आज की, ठीक है फ्रेंड्स। पीडीएफ अभी क्लास के कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। गियर टॉम में कराएंगे क्या? हाँ, गियर आपका टॉम में होगा। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के कई फायदे हैं दोस्तों, आपको मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी कोर्सेज हैं सारे एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। इवन जीके भी मिल जाएगी आप लोगों को, सभी फैकल्टी की जो भी आप लोगों के उस एसएससी में और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोग गेट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो फ्रेंड्स गेट में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं गेट के सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ओपन करिए दोस्तों। जिस भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे एसएससी का लेना है, गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, आपके पास में ऑप्शन आ जाएंगे कौन सा ले। तो बेस्ट है 12 महीने 24 महीने का लीजिए। 12 महीने का दोस्तों 6000 पड़ता है, लेकिन रेफरल कोड नीरज 11 आप लोग लगा लोगे तो दोस्तों 5400 का पड़ जाएगा। रेफरल कोड लगाना ना भूले, नीरज 11। अगर दो साल के लिए बात करें तो 6480 का पड़ जाएगा। गेट एंड डीएससी का दोस्तों एक साल का 25000 का, नीरज 11 रेफरल कोड लगाने पर ये आपका 22500 का पड़ जाएगा और दो साल का आपका 27000 का पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पीडीएफ दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को होगी, आपको पता है मंडे टू फ्राइडे चलती है, तो इस क्लास की पीडीएफ आप लोगों को कमेंट में पिन करवा दूंगा मैं भी, ठीक है 20 मिनट के बाद में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को 2:00 PM, ठीक है। चले दोस्तों मंडे को मिलते हैं।